नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरि ओम। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में। मित्रों, आजकल सभी लोग अमीर बनने के लिए काफी मेहनत करते हैं, सभी लोगों को अमीर बनने का चस्का लगा है। लेकिन ऐसे में अमीर बनने के लिए खूब मेहनत के साथ साथ आपको छोटे मोटे टोटके अवश्य प्रयोग करके देखना चाहिए, क्योंकि काफी मेहनत करने के बाद हमने देखे हैं बहुत से लोग अमीर नहीं बन पाते, मतलब सही तरीके से उनके एक दिन की रोजी रोटी भी नसीब नहीं हो पाती। लेकिन जो टोटके होते हैं वही उनके स्थान पर कई लोग बैठे बैठे पूरे जिंदगी भर आराम से पैसा में ऐसो आराम करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को कुछ टोटके बताऊंगा जिसके मदद से आप भी धनवान बन सकते हैं। रही बात दोस्तों धनवान बनने के लिए, तो अगर आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है जिसके वजह से घर में पैसा नहीं आ पा रहे, उस नकारात्मक शक्ति को घर से बाहर फेंकना जरूरी होता है। हमें और आपको पता नहीं चलता नकारात्मक शक्ति कौन सी है, लेकिन दोस्तों जो टोटके होते हैं ना स्वतः ही उसे समाप्त कर देते हैं, घर से बाहर फेंक देते हैं, फिर लक्ष्मी चले आते हैं। तो आज मैं आप लोगों को जो टोटके बताऊंगा, इस टोटके को अवश्य अपने जीवन में एक बार प्रयोग करके देखें, 100% लाभ मिलेंगे, धन ही धन प्राप्ति होंगे। तो यह टोटके बताने से पहले अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। तो पहला है, अगर आप धन संबंधी कार्य में सफलता चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अचानक से आपको काफी धन प्राप्त हो, तो आप एक नींबू लें और ऊपर से उस नींबू में 4 लौंग गाड़ देने हैं। जी हाँ, और ऐसे लौंग डालना है दोस्तों जो कि फूल वाला होना चाहिए, फूल रहित लौंग नहीं डालना है। इसके बाद आपको ओम श्री हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 21 बार उस नींबू में फूंक मारना है और 7 बार अपने घर से पूरे घुमाना है। 7 बार घर से पूरे घुमाने के बाद इस नींबू को बहते हुए जल में आपको विसर्जित कर देना। ऐसा करने से जल्द आप धनवान बन जाएंगे। आपके घर में जो नकारात्मक शक्ति जिसके चलते धन नहीं आ पा रहे हैं, उस नकारात्मक शक्ति को यह नींबू अपने अंदर समाहित कर लेंगे और समाप्त कर देंगे। दूसरा, अब अगर आप धन संबंधी कोई भी कार्य आपकी इच्छा के विरुद्ध हो रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं वो सोच मतलब आपकी इच्छा के विरुद्ध हो रहे हैं, तो इसके लिए आप कपूर और एक फूल वाले लौंग लें और इसे जला करके 3 से 4 दिन में थोड़ी थोड़ी खा लें। जी हाँ, इसे जला करके थोड़ी थोड़ी आपको पूजा करने के बाद इसे खा लें। ऐसा करने से आपको धन लाभ अवश्य होगा, हर प्रकार से धन की प्राप्ति होगी। अगर आपको पैसे ही पैसा चाहिए तो एक दीपक लें और उसमें 7 से 8 लौंग डाल करके शनिवार के शाम को घर के किसी कोने में रख करके जला दे। और ध्यान रहे, ये जलाते आपको कोई भी ना देखे, और ऐसा आपको लगातार 5 से 7 शनिवार तक अवश्य करना। निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलती है। जो ये टोटके होते हैं हालांकि आसान होते हैं, लेकिन ये अंदरूनी तरीके से काम करते, इंटरनल तरीके से काम करते, हमें और आपको पता नहीं चलता। अगर आपको धन की वर्षा चाहिए, मतलब अचानक से बहुत ही ज़्यादा धन चाहिए, तो सुबह पूजा के बाद आरती करते समय अपने दीपक में 2 लौंग डाल करके या फिर कपूर में 2 फूल वाले लौंग डाल करके आरती करें। और आरती किसकी करनी है, तो माँ लक्ष्मी की आरती करने शुक्रवार के दिन। दोस्तों अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो जल्द से जल्द आप धनवान बन जाएंगे। अमीर बनने के लिए कच्ची घानी जो तेल होते ना, ये भी सबसे अच्छा उपाय है मित्रों। तो कच्ची घानी के तेल के दीपक में अगर 8 लौंग डाल करके हनुमान जी की आरती किया जाए, क्योंकि हनुमान बाबा कलयुग में साक्षात एक ही ऐसे ईश्वर हैं जो कि थोड़ी सी पूजा पाठ करने के बाद प्रसन्न हो जाते हैं। तो हनुमान जी से कामना भी कर सकते हैं धन प्राप्ति करने के लिए, क्योंकि अष्ट सिद्धि और नवनिधि उन्हीं के पास है। निधि मतलब खजाना होता है, इन सबके मालिक हनुमान जी हैं कलयुग में। तो आपको करना क्या है, कच्ची घानी के तेल के दीपक में 8 लौंग डाल करके हनुमान जी की आरती करना है। इससे जितने भी आपके घर में नकारात्मक शक्ति हैं, जो भी अनिष्ट कार्य हो, सबको हनुमान जी दूर कर देंगे और अचानक से आपको धन की प्राप्ति हो जाएंगे। तो आप ये हमारे वीडियो में बताएंगे कोई भी उपाय करके धन की प्राप्ति कर सकते हैं। आशा करता हूँ जो जानकारी बताए हूँ आप सभी मित्रों को जरूर पसंद आया होगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम।